ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्रायो.डू को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा जिन्होंने ये वीडियो स्पॉन्सर किया है। मैं आपको बता दूं क्रायो.डू इज अ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म विच विल हेल्प यू टू एनहांस योर डेवलपमेंट स्किल्स। और अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो इनके दो प्रोग्राम्स हैं, फुल स्टैक एंड बैक एंड प्रोग्राम्स। इनकी वजह से ही आज इतने सारे लोगों ने बहुत बहुत एमएनसीज, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और स्टार्टअप्स तक में जॉब अपॉर्चुनिटीज ले चुके हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, लाइक क्रेड, ग्रो, एलटीआई, वोगो एंड मैनी मोर। मैं चाहता हूं कि आप एक बार इनका फ्री ट्रायल लेके देखें ताकि आप इनके कोर्सेज को और अच्छे से समझ सके कैसे हैं और कैसे आपको ये हेल्प करते हैं। सबसे अच्छी बात इनकी है कि ये करियर असिस्टेंस भी देते हैं ताकि जब आप इनका कोर्स कंप्लीट करते हो, जिसमें आपको इतनी सारी लैंग्वेजेस सीखने का मौका मिलता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, राइट, सीखने के बाद जब आप एमएनसीज या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में अप्लाई करेंगे तब ये आपको फुली सपोर्ट देंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो आप अपने रिज्यूमे में लिख सकते हो और विच विल हाईलाइट योर रिज्यूमे व्हेन यू गिव इंटरव्यू। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट ऑन देयर कोर्सेज। चलो फिर आज का वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। कैसे हो यार आप दोनों? आप कैसे हो? थैंक्स मनोज, मैं बहुत बढ़िया हूँ। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार अभिजीत एक बार अपने बारे में बता दो, क्या तुम्हारी प्रोफाइल है एंड व्हाट इज दिस यूएफटी ऑटोमेशन, इसके ऊपर तुम काम करते हो, राइट? या सो बेसिकली मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है। तो पहला 6 महीना 8 महीना फंक्शनल टेस्टिंग में था, जिसको लोग मैनुअल टेस्टिंग बोलते हैं, थोड़ा रिफाइंड वर्सन है फंक्शनल टेस्टिंग। फिर उसमें थोड़ा काम किया एक प्रोजेक्ट में, फिर उसके बाद एक ऑटोमेशन का एक प्रोजेक्ट आया जिसमें मतलब 3 सीनियर रिसोर्स थे, एक नया बंदे को लेना था। फिर मैं पहले से इंटरेस्ट उनको बोला था कि मैं इंटरेस्टेड हूँ ऑटोमेशन टेस्टिंग में, अगर रिक्वायरमेंट है तो मुझे चांस दीजिए। तो उस प्रोजेक्ट में ज्वाइन किया, तो उस टाइम मेरे को पता चला एक यूएफटी करके एक चीज है। तो बेसिकली उस टाइम यूएफटी नहीं था, क्यूटीपी था, तो दैट इज क्विक टेस्ट प्रोफेशनल। सो अभी उसको बोल रहे हैं यूएफटी। सो मैं आपको यूएफटी का पूरा बोलता हूँ क्या है। सो बेसिकली वो एक टूल है जिसमें हम फंक्शनल और रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है फंक्शनल एंड रिग्रेशन टेस्टिंग, सपोज एक एप्लीकेशन है वो डिप्लॉय हो गया, तो फर्स्ट जब हम उसका टेस्टिंग करते हैं तो इनिशियली जब हम उसका टेस्टिंग करते हैं तो उसको रिग्रेशन टेस्टिंग बोलेंगे। कुछ अगर नया चेंजेस आया उसमें तो उस नया चेंजेस के वजह से जो एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी एज वेल एज द न्यू फंक्शनैलिटी उसमें कुछ इफेक्ट आया या एप्लीकेशन कुछ ब्रेक हुआ तो उसके लिए रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो मैनुअल टेस्टिंग जो करते हैं वो बार बार ये सब करके वो लोग बोर हो जाते हैं और टाइम भी बहुत लगता है और इंटरेस्ट भी कम जाता है और मिस्टेक होने का ज्यादा चांस है। तो इसीलिए लोग वंस एप्लीकेशन स्टेबल हो जाए तो वो लोग प्रिफर करते हैं कि हम ऑटोमेशन टेस्टिंग में वो लोग सब स्क्रिप्ट को रन करें। तो बेसिकली ये वाला जो यूएफटी है पहले वो क्यूटीपी था, क्विक टेस्ट प्रोफेशनल, जो मर्कुरी इंटरएक्टिव एक कंपनी है उसका था। फिर उसको एचपी ने एक्वायर किया 2006 में, जो एचपी जो कंपनी है हेलर्ड पैकेट, वो 2006 में उसको एक्वायर किया। तो टिल 11.5 वर्सन उसका नाम था क्यूटीपी, दैट इज क्विक टेस्ट प्रोफेशनल। फिर 11.5 वर्सन के बाद उसका नाम चेंज होकर यूएफटी हो गया, दैट इज यूनिफाइड फंक्शनल टेस्टिंग। तो लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि यूएफटी और क्यूटीपी में डिफरेंस क्या है। जब क्यूटीपी था वहां पे बस जीयूआई टेस्ट ही कर सकते हैं, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लेकिन जब यूएफटी हो गया तो उसमें आप जीयूआई टेस्ट भी कर सकते हैं एज वेल एज एपीआई टेस्टिंग भी कर सकते हैं। और एपीआई अभी एक नया टर्म आया, दैट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो बेसिकली यूएफटी इज नथिंग बट क्यूटीपी प्लस सर्विस टूल्स। तो ताकि हम उसमें मतलब यूआई टेस्टिंग भी कर सकते हैं एज वेल एज एपीआई टेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो यूएफटी जो टूल है वो .NET टेक्नोलॉजी में डेवलप हुआ है, उसका बैकएंड .NET में है, जो एक वन टायर एप्लीकेशन है। वो बेसिकली वो एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, उसका कोई डेटाबेस नहीं है। वो नॉर्मली जैसे हमारा पेंट या कैलकुलेटर रहता है, वो डाउनलोड करोगे इंस्टॉल करोगे तो अपने डेस्कटॉप पे रहेगा। तो उसका बेसिकली दो तरह का वो आज सबको पता है कि वो वाला लाइसेंस टूल है, मतलब उसको हम खरीदना पड़ता है। तो और एक भी मार्केट में है टूल जो सेलेनियम जिसको बोलते हैं, वो ज्यादा फेमस है बिकॉज दैट इज ओपन सोर्स, वो फ्री में आप डाउनलोड करके आप कर सकते हो। लेकिन यूएफटी क्या है, वो एक हमारा है जो उसको खरीदना पड़ता है, उसका लाइसेंस है। तो बेसिकली उसका दो तरह का लाइसेंस रहता है, एक सीट लाइसेंस एक कॉन्करेंट लाइसेंस। तो बेसिकली सीट लाइसेंस मतलब हर मशीन का एक एक लाइसेंस, सपोज हम 5 बंदे हैं तो हर बंदे को एक एक लाइसेंस खरीदना पड़ता है, तो उसको सीट लाइसेंस बोलते हैं। कॉन्करेंट लाइसेंस मतलब मैं एक पैकेट ऑफ 10 लाइसेंस खरीद लूंगा और मेरे पास 20 बंदे हैं, लेकिन मुझे एट ए टाइम 20 बंदे यूएफटी में काम नहीं कर रहे, उसमें से 6, 7, 8, 10 लोग कर रहे हैं, तो मैं कॉन्करेंट लाइसेंस खरीदूंगा जिसका 10 यूजर यूज कर सकते हैं, तो उसको कॉन्करेंट लाइसेंस बोलते हैं।
और ये वाला जो टूल है बस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ही काम करेगा। अगर आप मैकबुक ले आओ या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका लैपटॉप हो तो उसमें आप यूज नहीं कर सकते, ओनली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर सकते हो। और इसका एक चीज है, इसका ट्रायल वर्जन भी मिलता है। अगर आप इसके वेबसाइट में जाते हो तो पहले 30 डेज का ट्रायल था, अभी 60 डेज का ट्रायल है। तो कोई अगर सीखना चाहता है कोई बंदा तो अराउंड 15 to 30 डेज ही लेगा एवरीथिंग उसको लर्न करने के लिए। तो उसका ट्रायल वर्जन भी है। और एक चीज जैसे मैं बोला GUI और API टेस्टिंग, इसके अलावा उसमें आप DB डेटाबेस टेस्टिंग भी कर सकते हो UFT में। तो बेसिकली वो एक टूल है जो आपका एवरी आर्किटेक्चर ऑफ टेस्टिंग ये कवर करता है। तो और अगर हम UFT टेस्ट या इसके लिए कुछ डेवलपमेंट भी करते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, नहीं वो टूल में बस आपको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए कुछ कमांड्स है, आप अगर वो यूज करते हो बीबी स्क्रिप्ट के थ्रू, आप डेटाबेस के कनेक्ट करके वहां से आप क्वेरी क्वेरी जो होगा उसको आप देके आपको डेटा रिट्रीव कर सकते हो, कोई डेटा चेंजेस सब डेटाबेस टेस्टिंग भी यहाँ पे कर सकते हो। अगर हम UFT टेस्टिंग को अच्छे से प्लान और एग्जीक्यूट करेंगे प्रॉपर मैनर में तो बहुत सारा टाइम और मनी ये सेव करेगा कंपेयर टू मैनुअल टेस्टिंग। तो इसीलिए UFT टूल जो है ये वन ऑफ द वाइडली यूज्ड कमर्शियल टेस्टिंग टूल है मार्केट में आज, बिकॉज ये वाला इजी है। अगर आप सेलेनियम सीखना चाहोगे तो उसमें जावा रहता है और जावा सबको डर लगता है कि क्या कोर जावा है क्या एडवांस जावा है, लेकिन अगर आप उससे कंपेयर करोगे UFT उसमें बस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो जिसको वीवी स्क्रिप्टिंग बोलते हैं, वो प्रोग्रामिंग नहीं है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो वीवी स्क्रिप्ट बहुत ही ईजी है, मतलब कोई भी एक नॉन टेक्निकल टेस्टर अगर कोई IT बैकग्राउंड से भी नहीं है वो भी अगर 5 to 10 days वीवी स्क्रिप्टिंग पढ़ ले जो वीडियोस है या प्रैक्टिस करे वो इजीली वो कर सकता है। तो इसीलिए जो UFT प्रोफेशनल्स रहते हैं उनका हमेशा मार्केट में डिमांड रहता है। और एज ऑफ टुडे सितंबर 2021 वो UFT को उसका एक नया नाम दिए हैं, दैट इज UFT 1, और करेंट वर्जन जो मार्केट में है दैट इज 15.0.2। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इंटीग्रेट हुआ है। सपोज उसमें आप, मैं जब डिटेल में बोलूंगा तो बोलूंगा क्या अंदर रहता है। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को स्पाई करते हो तो ऑटोमेटिकली वो बोल देगा कि वेदर इट इज अ वेब एडिट, वेदर इट इज अ बटन, वेदर इट इज अ लिंक, वो डायरेक्ट ही आइडेंटिफाई करके अपने OR में स्टोर कर लेगा। तो ये वाला एक ब्रीफ ओवरव्यू मैंने दिया ऑटोमेशन टेस्टिंग का, एक टूल जो है UFT ऑटोमेशन टेस्टिंग। ओके थैंक यू, तो एक अच्छा सा इनसाइट मिल गया। अभी हम इसका कंपैरिजन वर्जन बोल सकते हैं या फिर ऑटोमेशन एंड मैनुअल टेस्टिंग क्या चीज है, इस UFT से कितना डिफरेंट है वो अभी हमको शुभम भाई बताएंगे। ओवर टू यू। ओके, तो ये तो काफी अच्छा मतलब ब्रीफ दिया आपने UFT के बारे में, बट आई वुड से दैट जैसे कि यू ओनली मेंशन कि इफ वी यूज सेलेनियम देन ऑब्वियसली वी नीड टू नो वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक इट वुड बी सी शार्प, जावा, रूबी, पाइथन। Okay, we should be knowing such languages. So, if you really want to test like web-based applications, then you go for Selenium. It is an open source. It is an open source tool. So you can go for web testing. Right now, I'm using with Java here. Okay. So, जहाँ तक मुझे पता है, UFT में you record the screens. There is like no programming language information, you know, knowledge required. But if you go for Java, then you go for Selenium, then you need to know like what are the basics of Java, how you can program. Okay, then you should learn how Selenium will capture the objects on the screen, the functionalities, the navigation on the screen, jo bhi aapka testing purpose hota hai usme. So that is the basic difference, I would say, ki programming language itself is a big thing there. Yeah. And if you talk about like manual testing and automation testing, so manual testing is like a functional testing, I would say. Usme, if you don't really know the programming language, it will also like okay, because at least aapko PL SQL to aana chahiye. Like how do you fire some queries using PL SQL database? So you should know basics of those things. Database aana chahiye. Then you can go for manual testing. A manual testing is something like it is a monotonous job that many people feel, okay, because why to do the same thing again and again? So if you talk about the automation part, you let the robot or the machine do that job. You once script that part and then you can run it at any point of time. So automation mein, one good benefit is like it reduces the cost, okay, because for unit testing, say for example there are like 5 testers, okay, and
today is the current date, but you want to test the same functionality after 5 years, 3 years, 4 years, then that scripts help, and then you can run your regression pack or sanity pack, and then things can turn out to be like the system is working fine for the previously developed products. Okay, so that is one. तो इसके अंदर जो स्क्रिप्ट लिखी शुभम भाई, तुमने ये खुद स्क्रिप्ट तुमने लिखी है अभी लिखी लिखाई होती है? No, we have to write the scripts. Like एक टूल है वो हमें उसका पूरा एक फ्रेमवर्क होता है, राइट? कि जैसे अगर हम सिलेनियम की बात करते हैं तो उसमें आपको अगर रिपोर्ट जनरेट करना है तो यू कैन यूज सम अदर पैकेजेस, लाइब्रेरीज. ओके, जैसे हम अगर सिलेनियम की बात करें तो वी यूज मेवेन फॉर द डिपेंडेंसीज पार्ट. ओके, देन अगर हमें उसे मल्टीपल वीडीआईज में एग्जीक्यूट करना है फॉर द टेस्ट केसेस, देन यू यूज जेनकिंस. ओके, फिर आप टेस्ट एनजी एंड क्यूकम्बर यूज फॉर द रिपोर्ट्स. सो इट इज लाइक यू हैव टू इंटीग्रेट मल्टीपल थिंग्स टू हैव अ प्रॉपर आउटपुट, द डिजायर्ड आउटपुट आई वुड से. एंड अगर हम इस टूल की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ सम बेसिक लाइब्रेरीज. ओके, जो कि विच अंडरस्टैंड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. लाइक इफ यू आर डूइंग इट इन जावा, देन योर टूल लाइक इन आई वुड से द सेलेनियम IDE वुड अंडरस्टैंड दैट. ओके, आई हैव अ प्री स्पेसिफाइड जावा इंफॉर्मेशन and the user is going to come and use the knowledge of this coding language, and then they can perform rest of the things. So it is a tool. Okay. Yeah. Abhijit, कुछ कहना चाहोगे इसमें add on कुछ करना है? तो शुभम जो आप बोले जिसमें UFT में record and run वो initially starting में रहता है, लेकिन आप रिकॉर्ड एंड रन से आप पैरामीटराइज नहीं कर सकते हो. तो नॉर्मली हम जब प्रोजेक्ट में स्क्रिप्टिंग करते हैं तो रिकॉर्ड एंड रन में जब ट्रेनिंग में हम लोग सिखाते हैं तब उस टाइम रिकॉर्ड एंड रन करते हैं, लेकिन नॉर्मली एक ऑब्जेक्ट स्पाई रहता है, उससे हम ऑब्जेक्ट्स को ऐड करते हैं, एक OR रहता है, उसको ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी बोलते हैं. तो उसमें हायरार्की L में सेव होता है, लाइक ब्राउजर डॉट पेज डॉट वेब एडिट डॉट सम ऑपरेशन, ब्राउजर डॉट पेज डॉट वेब एलिमेंट डॉट क्लिक डॉट हाईलाइट. तो उस हिसाब से हम ऐड करते हैं ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी, वो डायरेक्ट वाला है. और एक डिस्क्रिप्टिव प्रोग्रामिंग भी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग मतलब विथ कोड विथ VB स्क्रिप्टिंग वी विल अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन. लाइक देयर आर टू थिंग्स, एक है टेस्ट ऑब्जेक्ट, एक है रन टाइम ऑब्जेक्ट्स. सो टेस्ट ऑब्जेक्ट्स आर नथिंग, दोज हु आर देयर इन द ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी, एंड रन टाइम ऑब्जेक्ट्स आर द ऑब्जेक्ट्स व्हिच इज कमिंग इन द एप्लीकेशन, व्हाट वी आर सीइंग इन द UI. सो जब वो दोनों मैच करते हैं प्रॉपर्टीज तब वो आइडेंटिफाई करता है. तो सिमिलरली विद सेलेनियम ऑल्सो, एज यू टोल्ड, लाइक सेलेनियम में हम जावा में कोड लिखते हैं तो एक्सपाथ CSS वो सब रहता है, सिलेक्टर्स. तो उस हिसाब से हम आइडेंटिफाई करते हैं UI में ऑब्जेक्ट्स. तो आइडेंटिफाई करने के बाद हम ऑपरेशन क्लिक करते हैं, हाईलाइट करते हैं, वेब एडिट में एंटर करते हैं, पेज नेविगेट करते हैं. तो उस हिसाब से तो इसके लिए तो बेसिकली जावा जो बोले वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसमें जो VB स्क्रिप्टिंग यूज करते हैं वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है. तो आप इस तरह से समझ सकते हो जैसे जावा C# एक रहा प्रोग्रामिंग में, C++, और स्क्रिप्टिंग में आया पाइथन VB स्क्रिप्ट. तो आपको पता है कि पाइथन कितना इजी है, मतलब एक लाइन में ही हम कर सकते हैं. सिमिलरली सपोज हमको हेलो वर्ल्ड चाहिए, बस प्रिंट, या VB स्क्रिप्ट में भी सेम है, प्रिंट डबल कोट्स हेलो वर्ल्ड करके रन करेंगे, हेलो वर्ल्ड दिखाएगा. हमको सी इन सी आउट जैसे C++ में रहता है वैसे कुछ जरूरत नहीं है. और ये केस इनसेंसिटिव है, तो मतलब आप कैपिटल लिखे या स्मॉल लिखे इसको फर्क नहीं पड़ता. और एक बात है, जावा में हमको एक्लिप्स इंस्टॉल करने पे ही हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो कोई कोई लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन हम लोग जैसे एक्सपीरियंस्ड है हमको समझ में आएगा. लेकिन जो नया बंदे आते हैं, ये वाला VB स्क्रिप्ट हम नोटपैड में ही कर सकते हैं, नोटपैड में कोड लिख के उसको अगर डॉट VBS करके डबल क्लिक करें तो कोडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं. एनीवन कैन डू इट, एनी लेमैन ऑल्सो कैन डू इट. एंड स्लोली ये एक इनिशिएशन है टू गेट इन टू द फील्ड ऑफ ऑटोमेशन through VB scripting, through UFT, then once थोड़ा knowledge हो जाए उसके बाद they can jump to Selenium Java, Selenium Python, Selenium C#, depending on the project requirement or the personal interest. कह सकते हैं कि total actually no doubt word testing same है, but actually जो अंदर का काम तो same नहीं है, ठीक है? तो अलग अलग process है और ये इसका थोड़ा सा अलग process है. Yes, absolutely. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल स्टार्ट विद अभिजीत. ले लेते हैं कि भाई एक टेस्टिंग प्रोफाइल एक डेवलपर से कितना डिफरेंट है? ओके, सो बेसिकली अगर हम प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल अगर हम जानेंगे, मतलब सपोज फ्रॉम लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझा रहा हूँ ताकि कोई भी समझ सके. तो नॉर्मली तीन चीज होता है, एक एप्लीकेशन रहता है, उसका हम डेवलपमेंट करेंगे, टेस्टिंग रहेगा, सपोर्ट रहेगा, मेंटेनेंस रहेगा. तो बेसिकली अगर आप देखोगे टेस्टिंग बीच में आता है, डेवलपमेंट और सपोर्ट के बीच में.
सिंस मैं टेस्टिंग के बैकग्राउंड से हूँ तो मैं डेफिनेटली आई विल बी बायस्ड टुवर्ड्स टेस्टिंग एंड आई वुड से टेस्टिंग इज द हार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. इफ टेस्टिंग इज नॉट डन प्रॉपरली द प्रोजेक्ट कैन गो हेवेयर. अगर आप एंड इफ वी फाइंड डिपेंडिंग ऑन व्हिच लेवल वी आर देयर, अगर हम डिफेक्ट को जल्दी डिटेक्ट करेंगे तो कॉस्ट कम रहेगा. अगर हम साइकिल के एंड में डिफेक्ट रेस करते हैं तो कॉस्ट ज्यादा रहेगा. तो मैं बोलूंगा कि ये सेम बात शुभम ने भी बोली थी कि भाई ऑटोमेशन टेस्टिंग लगती है प्रोजेक्ट की कॉस्ट कम करने के लिए, बट एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ाने के लिए बेस्ट है अगर तुमने ऑटोमेशन टेस्टिंग सीख ली. करेक्ट, एब्सोल्युटली. इसलिए तभी मार्केट में फिर ज्यादा पैकेज तुमको ऑफर किया जाएगा अगर ऑटोमेशन. करेक्ट. तो हम तो अभी बस टेस्टिंग का ही बात कर रहे हैं, तो टेस्टिंग में बोलूंगा हार्ट ऑफ द एप्लीकेशन है, हार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है. तो टेस्टिंग के सिवा, और टेस्टिंग में एक चीज रहता है डेवलपमेंट. सपोज कोई एक डेवलपर है, वो बस एक ही मॉड्यूल का एक ही पार्ट में वो रहेगा, उसको इतना बिजनेस नॉलेज है, एप्लीकेशन नॉलेज इतना नहीं रहता. उसको अगर डिफेक्ट दोगे बोलेगा मैं तो कोड सही लिखा हूँ, क्यों तुम डिफेक्ट रेस किए हो. लेकिन टेस्टिंग में हम लोग को एक होलिस्टिक व्यू रहता है, वी थिंक फ्रॉम ए एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू. वेदर इट इज ए मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग, वी हैव टू थिंक ऑफ ए एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू. सपोज एक फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक नया टीवी, एमआई का टीवी घर पे लाए, हम लोग इनिशियली टेस्टिंग का कोई नाम नहीं रहता, बट हम रिमोट में देखते हैं क्रिकेट मोड चलता है कि नहीं, सिनेमा मोड चलता है नहीं, क्या होता है, वॉल्यूम कम वॉल्यूम ज्यादा, ब्लूटूथ कनेक्ट होता है कि नहीं, पेन ड्राइव कनेक्ट होता है नहीं. दैट इज टेस्टिंग फ्रॉम लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू. हम खाना बनाते हैं वेदर सॉल्ट ज्यादा हुआ है कि नहीं, कम हुआ है कि नहीं, वो भी टेस्टिंग है विदाउट नोइंग द टेक्निकल. मतलब डेवलपर जो है वो सिर्फ एक बटन फोकस, एग्जांपल वॉल्यूम प्लस माइनस, बट एक टेस्टर जो है वो पूरे एप्लीकेशन के ऊपर इंटीग्रेशन चेक कर रहा है कि इसका एक दूसरे के साथ कुछ, जिसको हम बोलते हैं फट तो नहीं रहा, एक दूसरे के साथ ब्रेक तो नहीं हो रहा. करेक्ट. ठीक है. करेक्ट. शुभम भाई मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन है कि यार जावा वाला जो बंदा है वो डेवलपर भी जाता है, कोर जावा जिसको बोलते हैं ना, तो तुम्हारे फिर जावा किस लेवल का यूज होता है जिसको मैं टेस्टर बोल सकूं? अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो कोर जावा विल वर्क, ओके, बट अगर आप एक डेवलपर की बात करो तो एडवांस जावा आना चाहिए, ओके. और टेस्टिंग एक ऐसा चीज है कि देखो हम लोग टूल के बारे में बात कर लेते हैं, उसका इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे हम हैं एज अ ह्यूमन बीइंग इज गोइंग टू राइट द कोड. तो जो साइकोलॉजी एक टेस्टर की है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ओके. इफ मेरा ऐसा मानना है कि एक टेस्टर कितना भी अच्छा कोडिंग लैंग्वेज में हो बट अगर उसे बिजनेस नहीं पता है देन इट बिकम्स अ रियल प्रॉब्लम, ओके. तो मैं मतलब जितने भी हमारे अगर टेस्टर व्यूअर्स हैं तो आई वुड रियली रिकमेंड कि अगर हमें लाइफ में वी फील बोथ, इवन इट इज अ मैनुअल और ऑटोमेशन टेस्टर, देन ट्राई टू फोकस ऑन लर्निंग द बिजनेस, बिकॉज एज वी ग्रो प्रोफेशनली यू नो दैट एक्सपीरियंस विल काउंट मोर रादर देन your language, because language you can learn in 6 months, okay, the basic concept and programming part you can do it in 6 months, but ek jo ek constantly learning and growing wali jo approach hoti hai that should be the psychology I would say of a tester or anybody who is working professionally. They should understand what they are actually testing, because if somebody is in insurance domain, okay, to jo policies hain, theek hai, aaj hum policy bazaar ke bare mein itna advertisement dekhte hain. So we must understand like what is life term insurance, what is health insurance, in sabka term life insurance, in sabka basic difference hame pata hona chahiye. To agar aap aise insurance domain mein, agar banking domain mein agar aap hain, to you will get to know that okay, worldwide sirf platform badal rahe hain, companies ke digital solutions badal rahe hain, but the main thing is the product only, okay. So I think that thing will help you grow more faster rather than focusing on writing the best script among the team members, I would say. अभी मैं ये जो बात बोलने वाला हूँ ना, इससे बहुत लोगों को खुशी मिलेगी और मोटिवेशन मिलेगा, ओके. क्यों? आपके मन में आता होगा भाई टेस्टर तो कभी ऑन साइट जा ही नहीं सकता, या तो बीए जाएगा बिजनेस एनालिस्ट, या तो डेवलपर जाएगा, या तो सपोर्ट वाला जाएगा, टेस्टर कब जाएगा? वो टेस्टर तुमको शुभम जैन बताएंगे कि कब जाएगा ऑन साइट और वो कहाँ गए थे. ओके, सो मेरा ऑन साइट था जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, ओके. So, जैसे मैंने आपको बताया था, अप्रोच शुड बी लाइक दिस ओनली, लाइक ऑब्वियसली यू शुड नो कोडिंग, यू शुड नो हाउ टू स्क्रिप्ट क्वालिटी स्क्रिप्ट्स, ओके, बट रादर देन दैट यू शुड अंडरस्टैंड द बिजनेस, बिकॉज द रीजन बीइंग इज लाइक ऑफशोर में आपका पूरा टीम है, ओके, बट व्हेन यू गो ऑन साइट वेयर यू हैव द डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द क्लाइंट,
So they need somebody from your, the representative from the team that who understand their product and whatever requirements or the standards they are expecting from the testing point of view, they can directly contact you, or you are the face at that point of time, right? So understanding the product is more important there. Like for example, हम अगर offshore में होते हैं ना, तो हमें सिर्फ एक incident या फिर जो एक functionality production में काम नहीं करी है, हमें वो सिर्फ एक IAM के form में आती है, okay? But when you go on site, you directly face the client and you are answerable to that why this actually happened, okay? So before answering that, you should know that okay, whether it got missed or not, or your team really know that this functionality has been tested for the product or how critical it is. So agar aap apne aap ko overall aise groom karoge that you understand the business first, then you get the more chances of being the face for your team, I would say. एक चीज बताओ मुझे कि तुम ये रिक्वायरमेंट टेस्टर की क्यों कैसे निकलती है, मतलब एक जो बंदा ऑन साइट में जाता है ना, या फिर क्लाइंट ने बोला कि भाई एक रिक्वायर एक टेस्टर भेज दो, वो टेस्टर ही बुला रहा है क्योंकि कोड तो सारा इधर हो रहा है ऑफशोर में, है ना, तो वो टेस्टर को भी बोलेगा ना तू इधर ही एप्लीकेशन चेक कर, तू मेरे पास क्यों, उसका कुछ रीजन है? हाँ, उसका रीजन ऐसा होता है कि वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है. लाइक फॉर एग्जांपल, हमारा करेंटली अगर वेब साइट वेब यूआई लाइक वेबसाइट है हमारा, ओके, एंड द क्लाइंट इज डेवलप्ड ओनली द नेट बैंकिंग फॉर एग्जांपल, बट दे वांट टू ब्रिंग दैट दैट सॉल्यूशन टू योर मोबाइल ऐप, ओके, दैट सॉल्यूशन टू योर आईपैड, ओके, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे, सो दे हैव देयर ओन डेवलपमेंट टीम इन दैट केस, ओके. Okay, so since you are experienced, like if there are say 20-25 products in the system, so to test those 20-25 products on a newly developed platform, you need an experienced tester so that you can guide the team that what to test and what not to test. So here how the requirement gets generated. मैं समझ गया, अभी मैं समझ गया. Generally, yes, हर maximum companies की एक खुद की एक IT team तो होती है. Okay. Correct. वो actually क्यों होती है? ताकि वो जो इंडियंस से या फिर हम जैसे लोगों से जो काम करवा रहे हैं तो पैसा बच सके, ठीक है, और अपने जो एम्प्लॉय रखा हो उससे करवा सके, ठीक है, इसलिए टेस्टर बुला सके, आप अपना नॉलेज शेयर कर सकते हो, बिकॉज उनको भी अपनी साइड ग्रो करना है अपनी टीम इंटरनली. ओके, सो वी आर एक बात ऐड करना चाहूंगा शुभम ने जो बोला. तो नॉर्मली जब आप जो बोले कि ऑनसाइट कौन जाता है, नॉर्मली जब यूएटी टेस्टिंग होता है, जो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है, जब एंड यूजर टेस्ट करते हैं, तो वो चाहते हैं कि कोई एक टेस्टिंग टीम का बंदा आए जिसको एप्लीकेशन का फुल नॉलेज हो, ताकि उसके साथ हेल्प लेके वो लोग टेस्टिंग कर सके. और यहाँ पे और एक क्राइटेरिया है कि इन टेस्टिंग जैसे डेवलपमेंट में आपका कोड ही आपका काम करेगा, बट इन टेस्टिंग योर एटीट्यूड, योर कम्युनिकेशन एंड योर लाइक क्या बोलूं एंड योर नेटवर्किंग वर्क्स. तो इसमें नॉर्मली बिकॉज यू विल बी द फेस, एज शुभम टोल्ड, यू हैव टू बी द फेस, यू विल बी द इंटरफेस बिटवीन द ऑफशोर एंड ऑन साइट, सो यू हैव टू टेक द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द ऑन साइट एंड ड्रिल इट डाउन टू द ऑफशोर लेवल सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड, दे विल डू द चेंजेस एंड ऑल, एंड यू हैव टू डिलीवर द सेम टू द क्लाइंट. So basically, you are in the middle of both the things, on-site and offshore. So communication plays an important role here. Okay. So now we are actually at the end. बस एक important tips चाहिए. कह लो कि क्या interview tips कह सकते हैं? ठीक है. अभी पहले अभिजीत से पूछते हैं इसके बारे में detail में, क्योंकि उनको बहुत calls आते रहते थे. ठीक है. तो अभिजीत, क्योंकि अभी तो शुभम तो चलो TCS में ही है since beginning. Okay. तो उनसे हम इतना एक्सपीरियंस तो नहीं पूछ सकते, बट यस अभिजीत से एटलीस्ट ये पूछ सकते हैं, एक स्विच करते हुए क्या टॉपिक्स का ध्यान दें, या फिर कैसा रिज्यूमे में अपने आप को प्रेजेंट कर सके, क्या टॉपिक पढ़ के जाएं जिससे सामने वाला कोई क्वेश्चन पूछे तो वो आना चाहिए सर. या सो बेसिकली अगर इंटरव्यू के पास हम आए तो जो नॉर्मली हम लोग काम करते हैं और इंटरव्यू, दोनों टू डिफरेंट थिंग्स होता है. एक इंटरव्यू क्रैक करने के लिए भी एक टेक्निक रहता है, मतलब ऐसा नहीं कि बस आप इंटरव्यू क्रैक कर लोगे, मतलब आपको काम भी करना पड़ेगा, बट रेगुलर वर्क एंड इंटरव्यू आर टू डिफरेंट थिंग्स. रेगुलर वर्क से आप एक्सपीरियंस गेन करोगे एंड यू हैव टू पुट दैट एक्सपीरियंस एंड होन द स्किल्स ऑफ क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंटरव्यू में. तो उस हिसाब से आपको रिज्यूमे आपको बिल्ड करना पड़ेगा. जो जो रिज्यूमे में है, यू नीड टू नो ऑल द थिंग्स एंड स्पेसिफिकली, लाइक अगर आप UFT एंड VBScript में
interview de rahe ho, so you need to be strong in VB scripting because they will be asking the logical questions, like to write the code and all. Different questions so puchenge, like string manipulation hua, reverse string hua, aise bahut sara rehta hai. To wo log puchenge. Similarly, tool, jaise hum UFT tool mein hum log interview de rahe, to uske andar bahut sara functionality hai, jaise object repository aa gaya, jaise functional library aa gaya, uska extension kya hai. कैसे डिस्क्रिप्टिव प्रोग्रामिंग होता है, अगर एरर आता है कैसे हम उसको हैंडल करेंगे, एरर हैंडलिंग कैसे होता है, स्मार्ट आइडेंटिफिकेशन कैसा होता है, रिकवरी सिनेरियो कैसा है. अगर सपोज आप 10 स्क्रिप्ट लगाए हो बैच में, अगर फर्स्ट में फेल हो गया तो वहां पे रुकना नहीं चाहिए, सम रिकवरी सिनेरियो होना चाहिए ताकि ऑल सब रन कर सके, तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ता है. ओके शुभम, आपके पास कुछ टिप्स हैं? वैसे जो हम काम करते हैं, आई वुड से कि काम में मन लगा होना चाहिए. ओके, तभी आप अपने जो आप अर्न कर रहे हो उससे ज्यादा के लिए आप टारगेट कर सकते हो. इफ यू डोंट लाइक व्हाट यू डू देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. ओके, तो स्विच करने से पहले आप जो भी मेंशन कर रहे हैं अपने सीवी या रेज्यूमे में, उन चीजों को तो अच्छे से आना चाहिए. और अगर टेक्निकली हम स्विच करना चाहते हैं लाइक टेस्टिंग में, सो आई वुड से द अप्रोच शुड बी फर्स्ट लर्न जावा कोर जावा, ट्राई आउट योर बेसिक यू नो प्रोग्राम्स जो कि हमें इंटरनेट पे इजीली मिल जाते हैं. Then you go for Selenium, okay? Then Selenium के टूल को समझिए कि how that tool exactly works, and उसके साथ आप उसमें जावा का यूज करके how you can implement it for web UI testing, okay? So this should be the steps. और अगर इतना हमें आता है then obviously you will be able to crack the interview. और एक बात है, कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट रहना चाहिए. यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस व्हेन गिविंग द इंटरव्यू. अगर आप 3-4 इंटरव्यू दोगे तो आपको पता चल जाता है कि कौन से लेवल पे मैं हूँ और क्या क्या मुझे प्रिपेयर करना है. आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा, तो उस हिसाब से यू कैन प्रिपेयर एंड यू शुड बी लेस नर्वस. नर्वस नहीं होना है. सो यू शुड बी एबल टू हैंडल द रिजेक्शन प्रॉपर्ली. ओके, और अपने आप पे भरोसा रख के आई वुड से दैट गो अहेड एंड यू नो लर्न मोर एंड देन यू कैन गेट इट. शुभम के एड में मैं एक बोलना चाहता हूँ, जब मैं TCS से कैपजेमिनी स्विच किया था उस 90 डेज के पीरियड में, क्योंकि नोटिस पीरियड रहता है 90 डेज, तो उस नोटिस पीरियड के टाइम में मैं 25 इंटरव्यूज दिया था. ठीक है, उसमें से बस 6 सिलेक्ट हुआ था, 19 में रिजेक्ट हुआ था. तो आप देख लीजिए सिलेक्शन परसेंट कितना है, अराउंड 30, बट रिजेक्शन परसेंट इज 70. सो यू शुड थिंक दैट कि मैं बोलूंगा अरे मैं 5 में नहीं हुआ, 6 नहीं हुआ, वैसा नहीं है. यू हैव टू कीप ऑन गिविंग एंड कीप ऑन लर्निंग द न्यू थिंग्स. क्या नया चीज पूछ रहे हैं उसको इंटरनेट में देखना है, फिर और एक देना है, फिर ऐसे करते करते यू शुड बी कॉन्फिडेंट एंड यू शुड गिव इंटरव्यूज वन बाय वन. और लोग बहुत लोग रहते हैं या बोलिए हाँ, हाँ तो बहुत लोग रहते हैं keep a note of it and like us mistake ko khatam karo, don't do it again. मैं यहाँ पे एक हर्षा भोगले जो कमेंटेटर है वहाँ उनका एक लाइन ऐड करना चाहता हूँ कि making mistake is fine but repeating the same mistake again and again is a crime. But हम ये मिस्टेक रिपीट करेंगे, आप दोनों को बार बार अपने चैप्टर और भगवान करे ये क्राइम करने किसी सजा ना मिले मुझे एटलीस्ट, क्योंकि आई एम दी होस्ट. ओके, तो यस यस, और आप ऐसे ही आते रहो. और टुडे मेरे पास कुछ नहीं है पूछने को, बहुत अच्छा सेशन हो गया, वंडरफुल हो गया. ओके, अगर अभी भी किसी को डाउट होगा यार व्यूअर्स को, मैं यही बोल सकता हूँ कि भाई किसी को भी डाउट होगा तो प्लीज दोनों का लिंक्डइन आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको मैसेज कर सकते हो एंड देन यस दे विल रिप्लाई अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो बाकी आप मेहनत करो, ऑल द बेस्ट, छा जाओ और क्या बोलूं. एंड थैंक यू सो मच शुभम एंड अभिजीत, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय. ओके, बाय 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 बाय.